कल पूरा दिन बारिश होती रही है और आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे कश्मीर में और अड़न केल में हमारी पहली सुबह। इसके लिए हमने आज निकलना था यहाँ से जुम्मे से पहले और हमने फिर उसके आगे ताऊ बर्ड के लिए निकलना था, लेकिन सुबह से यहाँ पे काफ़ी शदीद बारिश होती रही है और अब जाके थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, लेकिन बादल भी मौजूद हैं लेकिन बारिश रुक चुकी है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से जितना जल्दी हो सके और इस तरह केल पहुँचे, क्योंकि केल के बाद हमें ताऊ बर्ड निकलना है। लेकिन जो ट्रैक है पैर नीचे वाला केल जाने के लिए, वो उस टाइम बिल्कुल गीला हो चुका होगा, क्योंकि जब हम कल आए थे तो उस टाइम काफ़ी सिचुएशन बड़ी ख़राब थी उसकी। आप पाँव रखते थे तो आप स्लिप होते थे, तो चढ़ते वक्त तो फिर चले थोड़ी सी आसानी थी, लेकिन अब उतरते हुए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए व्लॉग जो है करना मुश्किल है जवाब से जाते हुए। बस नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा और हालात बहुत ख़तरनाक हैं कि ऑलमोस्ट 80% मैंने कर लिया विदाउट एनी स्टिक और विदाउट एनी थिंग, लेकिन स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। और कैमरा मैंने डाल दिया बैग में, क्योंकि भाई कैमरे का रिस्क नहीं ले सकते बारिश में। फाइनली वी आर बैक टू केल और अभी तक बारिश हो रही है यहाँ पे, और जो है हमने ताऊ बर्ड भी जाना है आज, लेकिन जिस तरह से बारिश लगी हुई है तो हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताऊ बर्ड, ट्रिप का है आज हमारा चौथा दिन और कल का जो दिन था हमारा वो पूरा बारिश की नज़र हुआ, पूरा दिन बारिश होती रही है। जब हम अड़न केल से नीचे हैं उस वक्त भी बारिश थी, और फिर जब हम ताऊ बर्ड के लिए निकल रहे थे उस वक्त भी बारिश होती रही है, और जब हम ताऊ बर्ड पहुँचे उस वक्त भी बारिश थी। जीप में हमने सामान अपना रखा हुआ था छत पर, हालाँकि उसके ऊपर रेन कवर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जो हमारा सामान है वो काफ़ी गीला हो चुका है। तो मैंने दिखाया आपको कि सब लोगों ने अपने अपने कपड़े डाले हुए हैं, कोई अंदर ड्रायर से सुखाने की कोशिश कर रहा है। आज हम ताऊ बर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होपफुली कि बारिश ना हो आज, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बात करता हुआ आ रहा हूँ जब से मतलब कश्मीर में इंटर हुआ इस टाइम से, यार लिटरली मैंने ऐसी ब्यूटी नहीं देखी। मैं जब भी मैं देखता हूँ बाहर के लोगों के व्लॉग्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह लाइक स्विट्जरलैंड नॉर्वे, तो वहाँ पर इस टाइम के आपको जो नज़र आते हैं लैंडस्केप्स, और लिटरली ये उससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो जो इलाके हैं वो मेनटेन हुए हैं, वेल मेनटेन किए हैं उन्होंने, और यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो ब्यूटी यहाँ पर है ना इसका कोई जवाब नहीं है। आई लव इट। तो जी इस प्लेस से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये ममनू इलाका है, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये,
कोई लोकल मिलता है तो मैं ज़रूर पूछूंगा उससे। जी यहाँ से गए लोसी है तो लोकल बंदे नहीं जा सकते। जा सकते यहाँ से। चौक पर जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद जाएंगे। तो मैंने इधर नीचे गया था दरिया के पास। ये बेसिकली दरिया नीलम है, उस साइड से एक और दरिया आता है। ऑलमोस्ट साल बाद ब्लॉग कर रहा हूँ दोबारा में, भूल गया हूँ ब्लॉग कैसे करते हैं। बेसिकली इतना मुश्किल काम नहीं है, बस बातें जो है ना समझ नहीं आती कि क्या बात की जाए क्या बताया जाए। कहते हैं ना जन्नत नज़ीर कश्मीर, तो ये बात सच है। हाथ में थक गया, एंगल चेंज कर लिया जाए। अभी तो मैं सिर्फ मौजूद हूँ टाउ बट के आइकॉनिक ब्रिज पे, जिसकी हिस्ट्री तो नहीं पता कि ये अदा क्यों है, लेकिन ये यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट है जहाँ पे लोग आते हैं पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। और हमारे खड़े खड़े ना यहाँ पे, ये दरिया अब से कुछ देर पहले तक बहुत ही स्लो स्लो चल रहा था, लेकिन विद इन 10 मिनट्स जो है इसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है, आई गेस शायद इंडिया ने पानी खोल दिया। लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि गर्मी में जो कमरे होते हैं वो ठंडे रहते हैं, ठंड में जो है गर्म रहते हैं, मतलब आइसोलेटेड रहते हैं। उन पर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जितने भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे घर लकड़ी वगैरह के बनाते हैं। अच्छा खिला रहे हैं हमें ये बिरयानी। अच्छा कौन सी बिरयानी? मटन नहीं खिलाते यार? मटन आज रात में इंशाल्लाह, मतलब आज रात खाने में बिरयानी चलेगी। हमारा वो तो हो गया शाम पदी, लेकिन वापसी पे हमें यहाँ पे, क्योंकि जब सुबह हम आ रहे थे उस दिन बताया गया था कि यहाँ पे बॉर्डर है, तो उसमें देख सके कि बारिश थी, तो अभी हम रुके यहाँ पे देख रहे हैं। सामने जो है वो इंडिया है, उस तरफ पाकिस्तान है, हमें झंडा वगैरह लगा हुआ इंडिया का, और ये उस तरफ नहीं है ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारा ब्लॉग यहीं पर खत्म पदीर होगा, उसके बाद जिंदगी रही कभी फिर आने जाना हुआ कहीं पर ब्लॉग बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।